हेलो दोस्तों स्वागत है आपका क्लासेस विद वर्ल्ड में आज मैं आपके लाई हूँ एम सी के थर्टी क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ एम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के गाइडर बुक से तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है पहला अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्याप्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए अभिभावक को इस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उससे बच्चों का अनुभाग बदल दें तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए अगले तो, अगले दो क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में में निम्न से किस किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए पहला शिक्षक शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता पढ़ाने की उत्सुकता धैर्य और दृढ़ता तो प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है दोस्तों वो होता है धैर्य और दृढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों खाली स्थान दिया गया है ब्लैंक को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना कक्षा में एकदम खामोशी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति कक्षा द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य क्या बोला गया है इसमें दोस्तों कि ब्लैंक को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत तक माना जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने चौथा क्वेश्चन है दोस्तों निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण के सामाज, समाज समाज शास्त्री सिद्धांत पर तीसरा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल मूल खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खालिस्थान की ओर संकेत करती है जो करिकुलम है वो किस ओर संकेत करती है मूल्यांकन प्रक्रिया कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी इसके बाद छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा सॉरी पहला पेशी अवस्था दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है दोस्तों औपचारिक अवस्था तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपको बोला गया अमूर्त संकल्पनाएं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्वेश्चन नंबर सातवे पर आते हैं एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए कोई शिक्षक है उसकी उसको अपनी क्षमताओं समझ, को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ सम, संबद्ध है पहला मीडिया मनोविज्ञान दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान तीसरा शिक्षा समाजशास्त्र और डी का सामाजिक दर्शन तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए तो उसके लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान चलते हैं अगले पर कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है यह दर्शाता है कि प्रतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है अपने विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है शिक्षक की यह मांग रहती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है मतलब यह कथन किसने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी समझ का सृजन सृजन करते हैं इसका श्रेय किसको जाता है पहला कोहलनबर्ग बी है स्कनर तीसरा है प्याजे और चौथा है पावला तो नौवे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्याजे प्याजे महोदय ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर दसवा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं पूर्ण बाल्यावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य बच्चे किशोरावस्था में होते हैं मन का मानचित्र संबंधित है मन का चित्र बनाने से मन की क्रियाशीलता का पर अनुसंधान से से बोध समझ बढ़ाने के तरीके से, सह, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोध समझ के बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से मन का मानचित्र संबंधित है अगला है क्वेश्चन एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है यह किस के कि... यह किसके किससे संबंधित है मतलब अतीत में उसके साथ जो कुछ परिस्थिति हुई उसी हिसाब से वह नई परिस्थितियों में भी क्रिया करता है तो यह क्या है सीखने का प्र... सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम सीखने का तत्परता नियम सीखने का सादृश्य नियम या सीखने का प्रभाव नियम तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सीखने का सादृश्य नियम जो पहले हुआ वैसे ही फिर से परिस्थिति आई तो उसने अनुक्रिया की तो ये क्या होगा सादृश्यता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है पहला सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना दूसरा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना तीसरा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चौथा महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या को हम सबसे बेहतर तरीका हमारे लिए कौन सा है तो इसमें सबसे बेहतर तरीका होगा दोस्तों अक्षमता के अनुरूप विविध तो शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना विद्यार्थियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चौथा क्वेश्चन है दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ए विशेष विद्यालय में बी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिसलेक्सिया किससे संबंधित है पहला पठन विकार दूसरा व्यवहार संबंधी मान व्यवहार संबंधी विकार 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 तीसरा मानसिक चौथा तो का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पठन विकार चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर सोलवा क्वेश्चन है खालिस्तान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है अभिव्यक्ति में नवीनता जिज्ञासा सृजनात्मकता विचार या दूसरों से झगड़ा दूसरों के साथ झगड़ा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरों के साथ झगड़ा सत्रहवा क्वेश्चन है पांचवी कक्षा के दृष्टि वादित विद्यार्थी के पहला के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए दूसरा उत्तर है इसका के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए तीसरा के को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए सीखने की प्रक्रिया नहीं मानना चाहिए सीखना लक्षणमुखी भी अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है तीसरा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है चौथा सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है तो इसमें क्वेश्चन में, में उन्होंने बोला है सीखने की विशेषता नहीं माना गया है तो अठारहवीं का सही उत्तर हो जाएगा शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं सीखना समृद्ध हो सकता है यदि पहला शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें दूसरा शिक्षा में आवर्धित परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए तीसरा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए चौथा कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए तो लगाइए दोस्तों इसका सही उत्तर तो लगाइए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बीसवा क्वेश्चन है आकलन आं, आक, को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए आकलन को उपयोगी रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए पहला शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना दूसरा प्रतिपुष्टि दैट मीनस फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना चौथा विद्यार्थियों को बुद्धिमान व औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि की उपाधि देना तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लगाइए इसका सही उत्तर हो जाएगा शैक्षिक और क्षेत्रों में विद्यार्थियों के के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है विकास विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किसके यह विचार किस, के, किस से संबंधित है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है है यह विचार संबंधित एकीकरण का सिद्धांत अंत संबंध का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों के विशिष्ट बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी पहला स्किनर दूसरा प्याजे तीसरा कोहलनबर्ग दूसरा अरेक्सन तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पियाजे ने पियाजे ने बच्चे के बौद्धिक विकास की चार अवस्थाएं बताई थी संवेदी पेशी अवस्था दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तीसरा स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए सहानुभूतिक तटस्थ नकारात्मक अग्रोनमुखी तो तीसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा दो सॉरी तेईसवे का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रोन मुखी उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों सीखने एक, सीखने एक सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया पहला जीन प्याजे दूसरा बायोग तीसरा गैस्टॉल्ट सिद्धांतवादी चौथा पावलाव पावलाव तो चौबीसवे का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैस्टॉल्टवादी सिद्धांतवादी जो गैस्टॉल्ट थे उन्होंने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेरणा शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है पिछली सीखी हुई को नए अधिगम से अलग करती है क्या सीखने की जो प्रक्रिया है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों के प्रति शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है वह जो लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह जो पूर, वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है तो बच्चों बुद्धिमान बच्चे का लक्षण क्या नहीं है इसमें से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बल्कि उसमें अमूर्त बल्कि बच्चों में जो अच्छे जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनमें जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वह अमूर्त रूप से सोच सकते हैं ठीक है नए परिवेश में अपने आप को समायोजित भी कर सकते हैं वह प्रभावपूर्ण और मतलब एक एक अपनी बातों को अच्छे से दूसरों के सामने रख सकते हैं लेकिन उनका ये नकारात्मक जाएगा क्योंकि इसमें रटने का शब्द आया है कि वह लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं बल्कि वह समझ के उसको करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है सा, पहला सभागार दूसरा घर तीसरा खेल का मैदान या चौथा विद्यालय एवं कक्षा परि पर्यावरण तो सत्ताईस का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण अगले क्वेश्चन पर आते हैं ट्वेंटी एट नंबर पर वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संवेदी अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो ये जीन प्याजी की चारों अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है तो आप बताइए कि जीन प्याजी ने ऐसी कौन सी अवस्था बताई थी जिसमें बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है वस्तु या घटनाओं को देखकर कर बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो ये हो जाएगी आपकी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन को प्रारंभ करता है दोस्तों प्रारंभ शब्द से यहाँ पर आया है प्रारंभ करना मतलब शुरुआत की है उसने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना सानिध्य संगति की आवश्यकता सामाजिक अनुमोदन एवं सराहना की आवश्यकता संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता तो ट्वेंटी नाइन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के में सृजनात्मकता का पोषण करता है पहला विद्यालयी जीवन में जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना परीक्षा के में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना तीसरा है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण चौथा प्रत्येक शिक्षार्थी की अर्जित प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के आवश्यक प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना तो इसमें बोला गया है कि शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी को अर्जित प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने की एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना ठीक दोस्तों ये रहे आपके तीस क्वेश्चन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए